देखिए, कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई, हमने उनको लोगों की जो नाराजगी है इसके बारे में बात किया। जिस तरीके से वो कंपलसरी कर रहे हैं कि और आदेश दिए हैं इन्होंने कि भाई राशन मत दो, पेट्रोल मत दो, किराना दुकान में माल मत दो, जेरॉक्स भी, यानी जहाँ जहाँ लोगों को अटका सकते हैं। तो मैंने उनको यही बताया कि आप ये लोगों को जो है ये आप लोगों की अड़ौनूक कर रहे हो, तो ये बातें से लोग काफ़ी आहत हैं और ये आप सारी गलत चीज़ें कर रहे हो। और इस तरीके से कोई अगर केंद्र के और राज्य सरकार के अगर आदेश हो गए कि इस तरीके से करें तो आप मुझे बताइए। तो बोले नहीं, ऐसे आदेश नहीं हैं, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने हमको बोला है। मतलब सर, आप लोगों को ये प्रेशराइज करो, लो करके कन्विंस करने की कोशिश करो। जैसे अंदर मैं गया तो मैं तो मास्क पहनता नहीं हूँ कभी, तो कलेक्टर साहब बोले आप मास्क पहनिए। मतलब भाई, मास्क पहनने से मेरा दम घुटता है और मैं कभी मास्क पहनता नहीं हूँ। तो बोले हो सकता कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी लेकिन मेरी इम्यूनिटी ख़राब होगी, तो आपका भी हो सकता है। तो मैंने बोला सर ठीक है, तो मेरे पास तो मास्क, बोले मैं मास्क देता हूँ। मतलब ठीक है, आप दीजिए। तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया, तो उनके ऑफिस के अंदर मैं मास्क 2 मिनट के लिए पहन लिया। तो ये कैसी बात होगी कन्विनियंस की? उन्होंने बताया कि भाई आप पहनिए, मेरे लिए पहनिए। तो ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने बोला उनको कि भाई आप लोगों को ये बोलिए कि वैक्सीन अगर लिया तो तेरे लिए अच्छा रहेगा, उसको जचता है तो लेगा, नहीं जचता है तो वो उसका, आपने अपना काम कर दिया उसको आगाह करने का। लेकिन आप इस तरीके से किसी को बोलना कि ये लेना ही पड़ेगा, तो ये ऐसा कायदा नहीं है, कायदे के खिलाफ में आप काम कर रहे हो, ये हमने उनको बताने की कोशिश किया है। कलेक्टर साहब बोले मैं सोचूंगा, डॉक्टर जगदाले साहब ने उनको सारा बताया। मेडिकली उनको जो उसके इंग्रेडिएंट्स है, एल्यूमिनियम, मर्क्यूरी, ग्लाइफोसेट और ग्राफिन ऑक्साइड्स, ये सारी चीज़ें उनको बताई। ग्राफिन ऑक्साइड्स ब्लड क्लॉट्स कर रहा है, उसकी वजह से वो क्लॉट कहाँ जाके अटकेगा, किडनी में अटकेगा, ब्रेन में अटकेगा, हार्ट में अटकेगा, पता नहीं। तो उसकी वजह से पैरालिसिस हो रहे लोग, हार्ट अटैक आ रहे हैं। आज कम से कम 5,000 लोगों का ऑफिशियल डाटा है जिनका रिकॉर्ड पे हार्ट अटैक आए हैं। 31 लोग मेरे पहचान के हैं जिनको 3 महीने में हार्ट अटैक है, वो एक्सपायर हो गए। पर डे मेरे पास एक पेशेंट आता है हार्ट का, मुझे उसको रेफर करना पड़ता है हेल्थ सेंटर पे। ये बताया मैंने उनको, तो भी उनका कहना है कि हमें गाइडलाइन दी है महाराष्ट्र शासन ने और प्रधान मोदी साहब ने, तो हमें ये करना ही पड़ेगा और उसके लिए जो मैं कर सकता हूँ मैं करने वाला हूँ। हमने कहा इसके आगे होने वाली मौतें और इस सबकी जिम्मेदारी सर आपकी रहेगी। आपने खुद 2018 में आपने लसीकरण न्यायालय स्थापन करने का ऑर्डर दी थी मंत्रालय को, तो आप ये क्यों नहीं कर रहे हो? आप लसीकरण न्यायालय स्थापन करके लोगों को एग्जम्पशन दीजिए और कुछ हार्ट अटैक आता है, पैरालिसिस होता है तो कॉम्पेंसेशन दीजिए ना। वो नहीं कर रहे आप और सिर्फ फोर्स कर रहे हो सर, ये सही तरीका नहीं है, ये संवैधानिक नहीं है। तो बोले आपको जो हमने कहा उसमें, हम निवेदन में कि हम हाईकोर्ट में जाएंगे इसके खिलाफ, तो बोले आपको संवैधानिक अधिकार है, आप जा सकते हैं, मगर एज अ जिला कलेक्टर मैं जिले में जितना हो सकता है उतना वैक्सीनेशन करने का मैं प्रयास करूंगा, ये उन्होंने आखिरी स्टेटमेंट दिया। सर अभी अगर पेट्रोल अगर नहीं मिल रहा है या राशन पे राशन नहीं मिल रहा है तो फिर कैसा होगा लोगों का? मैं तो ऐसा समझता हूं कि लोगों ने अभी आगे आने की जरूरत है। इस तरीके से अगर प्रशासन उनकी न्यायिक और मौलिक अधिकारों का हनन अगर करती है तो लोगों ने रास्ते पे आना चाहिए, इतना मैं सिर्फ लोगों को आह्वान करूंगा। क्योंकि ये हमने हमारे तरफ से कोशिश किया इनको सब समझाने की कि आप कन्विंस करने की कोशिश करो, लोगों को बताने की कोशिश करो, तुम्हारा काम है जिलाधिकारी करके कि ये तरीके से लोगों को ये करो। लेकिन इस तरीके से आप लोगों को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, ये संविधान के खिलाफ है। लेकिन उन्होंने, मैं नहीं समझता कि वो मानेंगे और इसका कोई ज़्यादा असर होगा। तो अभी यही उनको ये भी समझाया हमने कि आप लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा करने वाले हैं, क्योंकि अगर कुछ लोग लेंगे नहीं और उनके घरों में अगर राशन नहीं मिलेगा वो लोग क्या करेंगे? सर आपको लगता नहीं और भी जो है पार्टियाँ इसके अंदर ये चीज़ में आना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए? अपने खासदार साहब का एक ऑडियो क्लिप आई थी मेरे पास जिसमें उन्होंने जोमेटो को बंदा था, उसने कहा था सर हमें टीकाकरण कंपलसरी किया जा रहा है, पेट्रोल नहीं दे रहे। तो दिल्ली साहब ने कहा कि वो तो करना पड़ेगा क्योंकि पूरा महाराष्ट्र कर रहा है। अब जब ऐसे स्टेटमेंट खासदार साहब दे रहे हैं तो हम किसको अपेक्षा करेंगे? देखो, पॉलिटिकल पार्टी के, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से अपेक्षा रखना मैं तो आज की घड़ी के अंदर गलत समझता हूँ। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, हालांकि नॉर्मल कोर्स के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी अगर बोलती है कि आज चांद पूरब से निकला तो दूसरा बोलता नहीं नहीं पश्चिम से निकला, तो एक मेक से विरोध। लेकिन इस मामले के बारे में ये पर्टिकुलर वैक्सीनेशन और ये टीकाकरण और चीज़ों के कारण सारे के सारे पार्टी और लोगों का मिले सुर तेरा मेरा, तो सुर बने हमारा, एक सुर में बात हो रही है। सेंट्रल में बीजेपी और स्टेट में शिवसेना, राष्ट्रवादी और सारे के सारे एक ताल सुर में तो बात कर, चार ही पार्टियां अगर वैक्सीनेशन को प्रमोट कर रही है तो विरोध कौन करेगा? और आखिर में कहा कलेक्टर साहब ने कि डॉक्टर साहब आपको इतना नॉलेज है तो आप टास्क फोर्स में आइए और हमारे साथ, हमारे टास्क फोर्स के लोगों को बोला कि आप अपॉइंटमेंट करवा लो, उनके लिए मीटिंग अरेंज करो, हम आएंगे।
आपका नाम बताइए। ये मैं प्रकाश पोरे, संपादक दैनिक देशोन्नति और किसान ब्रिगेड करके पूरे महाराष्ट्र की इसकी ये है संगठना, देश की संगठना है, तो उसका मैं अध्यक्ष हूँ, संस्थापक हूँ। मैं डॉक्टर विलास जगदाड़े, MD होम पर सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं ये नागपुर के आमचे पत्रकार मार्क पकवार दोस्त आहे, खास आपला काय नाव म्हटलं? माझं नाव रिजवान, रिजवान जी। अच्छा, ओके, रिजवान रिजवान जी, ये अभी हम लोग जा रहे हैं जरा देखने के लिए। हमने कलेक्टर से मेरी बहुत आज अभी काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चा हुई और उसको मैंने बताया इस तरीके से आपका करना गलत है। और मैंने बोला भाई देखिए, पगार आप रोक रहे हो लोगों के, मैं आपको उसके बारे में दोष नहीं दूंगा क्योंकि उसका आदेश मैंने स्टेट गवर्नमेंट का देखा है, तो इसलिए वो आप स्टेट गवर्नमेंट के आदेश का पालन करो। लेकिन राशन मत दो, पेट्रोल मत दो, इस तरीके से कोई आदेश नहीं, उसके बाद में आप ये कर रहे हो, एक असंवैधानिक कर रहे हो। मैंने बताने की कोशिश किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको शायद ये बोला है कि तू अगर ऐसा करेगा तो तेरे को कमिश्नर बनाएंगे या कुछ करेंगे, प्रमोशन देंगे, इस तरीके से सारी बातें चक्करबाजी चल रही है। वो खामियागा बहुत भूखी आपका क्या बोलना है, वैक्सीन लेने पे इतनी सख्ती होना चाहिए? नहीं, वैक्सीन ये मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है। तो लेना है लेगा, हाँ लेना है, जिसको लेना है चॉइस है, जिसको लेना है वो लेगा, जिसको नहीं लेना है वो उसका ऑप्शन है, उसका चॉइस है। ये सख्ती करना वॉलंटरी है, ये गलत है। चलो आइए। आणि घेणार नाही, आणि वॅक्सिन घेतलं नाही म्हणून तुम्हाला पेट्रोल देऊ शक देत नाही असं म्हणू नाही शकत, असा कुठलाही आदेश नाही। चल गाडी।